हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है प्रभा एलएमबी। आज हम आपके लिए चैप्टर 4 लिब्रे ऑफिस कैल्क का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 आपके लिए बनाया था, जिसमें हम 100 प्रश्न लाए थे। आज हम फिर चैप्टर 4 का जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क का सेकेंड पार्ट लेकर आए, इसमें भी आपके लिए 100 प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट की टू अप्लाई करेंसी फॉर्मेट विद 2 डेसिमल प्लेसेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो शॉर्टकट क्या है, टू कौन सी है? तो देखिएगा, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर सिंबल का यूज अगर हम करेंगे तो करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करेंगे विद 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इन विच मेनू इज द मर्ज सेल कमांड अवेलेबल। किसमें जो मर्ज सेल कमांड अवेलेबल है वो देखिए, किसमें? फॉर्मेट सेल में। किसमें? फॉर्मेट मेनू में। जो आपका जो है लेफ्ट क्या है, कौन सा कमांड? मर्ज सेल कमांड आपका अवेलेबल है। वेर इज द ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ? एक्सपोर्ट डायरेक्ट पीडीएफ पीडीएफ ऑप्शन आपको किसमें मिलेगा? स्टैंडर्ड टूल बार पे। किसमें आपको मिलेगा? स्टैंडर्ड टूल बार पे जो है एक्सपोर्ट पीडीएफ डायरेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो किसका करेंगे? CTRL प्लस माइनस का। ये हम आपको पहले भी बता दो, CTRL प्लस माइनस का जो है चिन्ह हम करेंगे। किसमें जो है देख लेते हैं, ठीक है? किसमें यूज करेंगे हम जो है माइनस करने के लिए? जैसे ये हमने ए लिखा, हमने ये बी लिखा, ये हमने 2 लिखा। इसमें से अब हमें कोई एक जो सेल डिलीट करनी, तो क्या करेंगे हम? CTRL प्लस हम माइनस का सिंबल का यूज करेंगे। डिलीट ऑप्शन आएगा वो देखिए डिलीट हो जाता है आपका, ठीक है? अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड चॉइस अंडर द ऑप्शन फ्रीज सेल? अंडर द फ्रीज सेल तो क्या हो जाएगा? फ्रीज फर्स्ट कॉलम। क्या हो जाएगा? फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे जो है ये आपका क्या है, वैलिड जो है चॉइस ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है वो हो, कितने बड़े बड़े प्रश्न है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विल एक्सटेंड द सिलेक्शन ऑफ सेल्स राइट वर्ड दैट इज एडजेसेंट सेल इन राइट डायरेक्शन ऑफ करेंटली सिलेक्टेड सेल्स विल आल्सो गेट सेलेक्टेड? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। शिफ्ट प्लस राइट एरो की, शिफ्ट प्लस राइट एरो की से जो है हम ये जो टास्क कर सकते हैं, कैल्क विल एक्सटेंड द सिलेक्शन ऑफ सेल्स राइट वर्ड। ये हम क्या करा सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं सेल्स को राइट वर्ड में, ओके? अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस बिलोंग्स टू OSI, प्लीज गिव फुल नेम ऑफ OSI। OSI का फुल नेम क्या होता है? ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव। क्या होता है? ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10, 20 इतना। इसको अगर हम एक प्रकार से लिखते हैं तो देखते हैं 10 इसकी जो है वैल्यूज क्या आएगी। हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं। इक्वल टू हमने लिखा 10 इनटू हो गया आपका जो है कितना था, 20 था, 20 के बाद 4 था, 4 के बाद जो 8 था। अगर हम इतना लिखते हैं तो कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। कितना होता है? 400, यानी ऑप्शन में है 400। बिल्कुल से ऑप्शन में क्या है, 400 है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की विल बी यूज टू गो टू द लेफ्ट ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस? यानी क्या करना है, गो टू द लेफ्ट ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस राइट पे। शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टाइल नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट एंड अल्फाबेट इज राइट अलाइनमेंट। बिल्कुल सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नंबर अलाइनमेंट हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे हमने नंबर लिखे, हमने तो नंबर क्या है आपका, राइट अलाइनमेंट होता है। यहाँ पे अब हम नेम लिखते हैं तो नेम जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। देखिए टेक्स्ट लिखा हमने वो राइट लेफ्ट साइड में प्लेस होता है, नंबर हमने लिखा वो राइट साइड में जो है प्लेस हो रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाता है, फॉल्स। और यहाँ पे पूछ कह रहा है नंबर को कह रहा है लेफ्ट और अल्फाबेट को कह रहा है राइट, जबकि क्या है देखिएगा, अल्फाबेट लेफ्ट होता है और नंबर क्या है राइट में है, इसलिए ऑप्शन क्या है ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर विल बी गिवन बाय डिवाइडिंग एनी नंबर बाय जीरो? एनी नंबर बाय जीरो अगर हमें किसी से लाना है तो क्या करेंगे उसके लिए, हैश डीवाई, हैश DIV और जो डिवाइड करेंगे जीरो से। तो ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम हाइट कितना होता है सेल का, कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, 0.01। कितना होता है? 0.01 आपका मिनिमम हाइट होता है। लिब्रे ऑफिस कैन नॉट ऐड विच फॉर्मेट? किसमें नहीं ऐड कर सकता? EXML में, यानी EXML में जो है लिब्रे ऑफिस जो है का जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सेव नहीं हो सकता है इस फॉर्मेट में।
अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क हैज टू टूल बार नेम फ्लोटिंग एंड फिक्स। बिल्कुल सही, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके टू टूल बार होते हैं, एक आपका होता है फ्लोटिंग टूल बार और दूसरा होता है आपका फिक्स टूल बार। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, डज लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज हैंडआउट। बिल्कुल सही है कि नहीं, हैंडआउट्स कौन यूज करता है? स्प्रेडशीट यानी कि सॉरी प्रेजेंटेशन इंप्रेस यूज करता है। जब हैंडआउट की बात आएगी तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस यूज करता है हैंडआउट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैलकुलेट करने की जब बात आएगी तो क्या करेंगे, F9 की बात करेंगे। किसकी? F9। अगर हमें कैल्क में जो कैलकुलेट कराना हो तो किसका यूज करेंगे? F9 का यूज हम करेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ क्वोटेंट 5 टू? क्वोटेंट इज इक्वल टू 5 टू, हमने इससे पहले भी क्वोटेंट वाले बताए थे, QUOTIENT क्वोटेंट आपका हो गया कॉमा 5 कॉमा 2 अगर हम करेंगे तो क्या हमारा क्वोटेंट आता है, थोड़ा सा देखते हैं तो क्या जाएगा, 2 आएगा। कितना आएगा क्वोटेंट? कितना आएगा आपका 2 क्वोटेंट आ जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का जो डिफॉल्ट हाइट होता है वो कितना होता है? 0.4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 0.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीलिंग। सीलिंग का ये फार्मूला देखते हैं, सीलिंग इक्वल टू सीलिंग माइनस 96.7। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाए, इक्वल टू CELING सीलिंग हो गया माइनस 96 था कॉमा था 7 हो गया। अगर इसको हम अगर हम लगाएंगे तो कितना आ रहा हमारा 98 आ रहा है। कितना आ रहा हमारा है? 98 आ रहा है। जब ये वैल्यूज हम लगाते हैं यहाँ पे माइनस की वैल्यूज अगर हम दे देंगे, माइनस की वैल्यूज कराएंगे तो कितना आएगा? 91 आएगा। हमें थोड़ा ध्यान से देखना हमने क्या लिखा है। इक्वल टू सीलिंग 96 क्या है यहाँ पे, माइनस का 96 है और कॉमा क्या यहाँ पे दे रखा है 7। अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे लगाते हैं, माइनस का 96 है कॉमा हमने 7 किया है तो वैल्यूज हमारी क्या आ रही है, ये 91 आ रही, जो पूरी तरह से गलत है वैल्यू। ठीक है, क्या है हमारी वैल्यू, ये गलत आ रही है। एक मिनट रुकेगा, हम दोबारा इसको टाइप करके लिखते हैं, CEI इक्वल टू CEILING सीलिंग आपका हो जाता है और माइनस का 96.7 अगर हम करेंगे तो आंसर हमारा आएगा कितना, माइनस का 91 आ रहा है। आंसर क्या रहा आपका? 91 आ रहा है आंसर। लेकिन ये आंसर जो इसमें जो एरर आ रहा है शोज, क्योंकि आंसर ये गलत शो करा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेनू व्हेन एडिंग चार्ट टू लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है, कर्व का जो है लाइन आपकी नहीं मिलती जब हम चार्ट को जो इंसर्ट कराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क की जब हम बात करेंगे जो है इस प्रकार से, तो शॉर्टकट की क्या, एडिट सेल का F2 होगा। क्या हो जाएगा आपका? F2 होगा आपका। क्या होगा आपका? F2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। मैक्सिमम विड्थ ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम कॉलम ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा जो भी होता है 100 होता है। कितना हो जाएगा? 100 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इट इज पॉसिबल टू चेंज डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। बिल्कुल सही, प्रिंटिंग से पहले डॉक्यूमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बिल्कुल फॉल्स हो जाए क्योंकि ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क हैज अ शॉर्टकट की टू ऐड सेल्स। ऐड सेल्स करने के लिए क्या होता है? CTRL+ का साइन करते हैं ऐड सेल्स करने के लिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू सम A1 B1 C1 D1। इफ द वैल्यू ऑफ A1 B1 C1 D1 आर 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। अगर हम ये करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 यानी 2 3 3 6 4 10 क्या हो जाएगा? 10 वैल्यूज हो जाएगी। अगर हम इसको जो A1 B1 C1 D1 की जो है वैल्यूज अगर हम देखते हैं यहाँ पे A1 2 3 4, अब हमें इन सबको अगर हम प्लस करके देखते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाती वैल्यू है, देखो 10 आ जाती है। तो इसलिए ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? 10। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 25 ऑब्लिक 32 माइनस 16 × 2। ये यहाँ पे लिखा है तो इसमें देखते हैं यहाँ पे एरर में क्या सोर्स क्या आता है। यहाँ पे
इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा है, देखिएगा ध्यान से, हमने लिखा यहाँ पे 25 ऑब्लिक लिखा हमने, 32 लिखा, माइनस का 16 लिखा, इन टू टू करा दिया हमने, देखते हो तो क्या हुआ, हायर डी आई वी आ रहा है, क्या आ रहा है, ये एरर आ गई यहाँ पे, हायर डी आई वी, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे करेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लोर 20919, तो फ्लोर का देखते हैं, इक्वल टू एफ एल डबल ओ आर, फ्लोर क्या है 209 कॉमा जो है 19 है, इसका फ्लोर में क्या वैल्यूज आ रही है, 2014 आ रही है, कितनी आ गई भैया, 2014 आ गई, क्या हम कर क्या रहे हैं, 209 हमें करना था ना, तो कितना आ जाएगा, 209 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 209 आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, 209 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट 23 आर एफ, काउंट अगर हमें कराना है, इक्वल टू सी ओ यू एन टी, काउंट कराना है 2, 3, R, F, अब देखते हैं काउंट अगर हम कराएंगे तो क्या आता है, तो काउंट क्या कराएंगे, केवल काउंट में क्या क्या है, 2, 3, R, F, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2, 3, R, F, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम जो है काउंट का जो है फंक्शन लगा देंगे, और ये हमारा आई है, ये हमारा जो है आई कहाँ पे है, ये इसको हम, ये फंक्शंस हमने लीजिए यहाँ से उठा करके, अब हम इसको काउंट करा देंगे तो 2 आएगा, यानी काउंट फंक्शन जो क्या करता, ओनली न्यूमेरिक नंबर को काउंट करता, अल्फाबेट को इसने काउंट नहीं किया है, इसीलिए क्या किया, 2, 3 कॉलम को इसने काउंट किया और लिख करके दे दिया 2, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे ऑप्शन आपका 2। अगला क्वेश्चन है, इज ए बी सी आर वैलिड एड्रेस इन लिब्रे ऑफिस, बिल्कुल फाल्स हो जाएगा, एबीसी कोई कॉलम ही नहीं है, क्या माना जाता है, A1 B1, इस तरफ इस प्रकार से माना जाता है, देखिए ना I13 I16 है ना, यानी कि रोज और कॉलम को मिक्स करा के जो है सेल एड्रेस माना जाता है। अगला प्रश्न है, वेयर इज द कमेंटिंग ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में, कमेंटिंग ऑप्शन किसमें होता है, इंसर्ट में होता है, किसमें होता है, इंसर्ट में होता है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, सॉर्टिंग होती कितनी होती है, 2 टाइप्स की होती है, सॉर्टिंग कितनी होती है आपकी, है 2 टाइप्स की होती है, देखिएगा सॉर्टिंग, पहला आपका तो सॉर्ट इज माने टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, 2 टाइप्स की जो है आपकी सॉर्टिंग होती है। अगला प्रश्न है, विच सॉफ्टवेयर लेट्स यू परफॉर्म कैलकुलेशन मैनिपुलेशन द न्यूमेरिक डेटा, कौन सा हो जाएगा, MS Excel। MS Excel क्या कार्य करता है, न्यूमेरिक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का कार्य करता है, मैनिपुलेशन द न्यूमेरिक डेटा। अगला प्रश्न है, नेम द एलिमेंट विच इज आइडेंटिफाइड अ यूनिक, नेम द एलिमेंट विच आइडेंटिफाई अ यूनिक रो नंबर एंड कॉलम नंबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल हो जाएगा, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, ये जिसे यहाँ पे लिखा KL जो उसमें लिखा, इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, F7, इस सेल का क्या नाम है, KL जो है आपका F7 में आपका प्लेस किया हुआ है, F7 में आपका प्लेस है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, व्हाट डू बी कॉल अ ग्रुप ऑफ कंटिजुअस सेल विच फ्रॉम द शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो इसको क्या कहेंगे हम, रेंज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, रेंज कहेंगे। अगला प्रश्न है, विच सिंबल सेपरेट द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग सेल एड्रेस फ्रॉम द एंडिंग सेल एड्रेस इन अ रेंज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉलन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कॉलन का। अगला प्रश्न है, विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट लाइज एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडोज इन MS Excel, तो क्या होता है, टाइटल बार, सबसे जो टॉप पे जो क्या होता है, टाइटल बार, ये जो आपका होता है सबसे टॉप पे आपका क्या होता है, टाइटल बार, बुक 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्टिवेशन, ये होता है आपका टाइटल बार। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, व्हाट नेम डू वी गिव टू द करंट सेल विच हैज सेल बाउंड्री अराउंड इट, ब्राउन, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल, क्या उसको बोलते हैं, एक्टिव सेल बोलते हैं, जैसे ये हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये जो बाउंड्री अराउंड होता है इसके क्या होते हैं, इसको हम एक्टिव सेल, इसको क्या इसको कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच इज द लास्ट वैलिड कॉलम हेडर इन MS Excel, क्या है, XFD, क्या होता है, जो लास्ट वैलिड कॉलम है वो क्या है आपका, XFD है। अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ वर्कबुक इन MS Excel, क्या होता है आपका, Book 1, क्या होता है आपका, Book 1, ये आपका देखिएगा Book 1 यहाँ पे शो कर, Book 1 ये आपका शो करा कर रहा है, Book 1 होता है। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज टू सेव अ वर्कबुक इन MS Excel, सेव करने क्या होता है, CTRL+S होता है, क्या होता है, CTRL+S से करेंगे, ये देखिए सेव है इसका जो ऑप्शन, सेव का जो है ऑप्शन आ जाता है CTRL+S। अगला प्रश्न है, विच पैरा ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू डिनोट अ नेविगेट
वैल्यूज इन एमएस एक्सेल, वैल्यूज किसका करें, पैरेंथेसिस ब्रैकेट का, किसका यूज करते हैं हम, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स का यूज करते हैं जब भी हम कोई कॉल कोई भी फार्मूला यूज करते हैं तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज हम करते हैं। करा अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर नंबर्स इन एमएस एक्सेल। अभी हमने बताया था नंबर्स के लिए क्या होता है, राइट होता है, नंबर्स के लिए क्या होता है, अभी हम कोई भी नंबर यहाँ पे लिखते हैं जैसे 1 2 3 का, वो प्लेस कहाँ पे हो जाता है, देखिएगा राइट कॉर्नर पे जो है प्लेस होता है, तो नंबर के लिए क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, नेम द एक्सप्रेशन विच इंक्लूड नंबर, सेल, एड्रेस, ऑपरेटर्स एंड प्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा आपका इसमें, फार्मूला हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाता है इसमें, फार्मूला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच सिंबल मार्क द बैंडिंग ऑफ फार्मूला इक्वल टू सिंबल, यानी कोई भी फार्मूला के पहले हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू करके ये रहा सिंबल लगाते हैं, यानी कि इक्वल टू से के सिंबल से हम क्या करते हैं, फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, विच डेटा एंट्री इज नाइदर अ नंबर नॉर अ फार्मूला, तो इसमें से कौन हो जाता है, टेक्स्ट, ना ही ये जो ये है, ना ही ये नंबर होता, ना ही ये फार्मूला होता है। By default, how many worksheet does an Excel workbook display? कितना होता है आपका, 3 जो है डिस्प्ले होता है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा sheet 1, sheet 2, sheet 3, आपकी जो है sheet 1, sheet 2, sheet 3, आपकी कितनी होती है, 3 default sheet होती है। अगला है, what separates time elements in Excel? What separate time is in Excel? क्या करता है, कॉलन का यूज किया जाता है, सेपरेट टाइम का सेपरेट कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन जो नेम होता है क्या होता है, डॉट xlsx होता है, डॉट xlsx होता है एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल, लिब्रे ऑफिस कैल का क्या होता है एक्सटेंशन, डॉट ods होता है, क्या होता है, डॉट ods होता है। इफ वी टाइप द apostrophe सिंबल बिफोर अ नंबर नंबर एक्सेल एज्यूम इट एज अ टेक्स्ट एंटिटी, पूरी तरह से क्या है ये, टू है, यानी apostrophe हम लगाएंगे यानी बिफोर जो है टेक्स्ट के नंबर के, तो क्या कर रहा है वो टेक्स्ट एंट्री को जो है assumes करता है। The date entries in Excel are separated by the colon symbol, बिल्कुल सही है, यानी कॉलन जो क्या हो रहा है, डेट एंट्रीज are separated by the colon symbol, क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, कॉलन सिंबल के द्वारा डेट सेपरेट नहीं होती है। The F3 function is used to edit the content of the active cell. तो F3 function का use तो नहीं करते हैं, किसका use करते हैं करा? F2 function का हम use करते हैं करा? F2 function का use करते हैं। The clear all option clear all the content from the selector range of cells. तो पूरी तरह true है आपका, जो clear all options होता है वो क्या करता है, selector range को पूरी तरह से clear कर देता है। The shortcut key combinations of a to cut a specific range ऑफ सेल इज CTRL प्लस एक्स, तो कट का जो ऑप्शन होता है तो क्या होता है, CTRL प्लस एक्स होता है, जो भी आपका क्या ट्रू है। अगला प्रश्न है, द नेम गिवन टू अ रेंज ऑफ सेल इज एडेड इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द नेम बॉक्स, ये भी ऑप्शन क्या है आपका, है पूरी तरह से ट्रू है, जो नेम जो गिवन किया जाता है सेल्स इज एडेड ड्रॉप डाउन लिस्ट के नेम बॉक्स के नीचे होता है। द स्मॉल ब्लैक स्क्वायर प्रेजेंट इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल इज कॉल्ड द सेल हैंडल, पूरी तरह से ये भी क्या है आपका, ऑप्शन ट्रू है, ये जो आपका आता है लोअर बॉक्स, ये क्या होता है, एक्टिव सेल हैंडल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स हैज 4 डिफरेंट ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, चूज फ्रॉम जो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स होता है पूरी तरह से क्या आपका ऑप्शन है, ट्रू है, जो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स होता है ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, 4 डिफरेंट ऑप्शन चूज फ्रॉम होता है। अगला, द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स इंसर्टेड इन अ वर्कशीट विल बी सेम एज द नंबर ऑफ सेल्स सेलेक्टेड इनिशियली, ट्रू है आपका ऑप्शन, जो ब्लैंक सेल्स होती है इंसर्ट कराते हैं वर्कशीट में जो बिल्कुल सेम होती नंबर ऑफ सेल्स की तरह, यानी कि जितना पार्ट जितनी सेल्स रोज इसमें है उतनी सेल्स वो सीट में भी होगी। अगला प्रश्न है, an expression which includes cell addresses, numbers, operators and parentheses is called a chemical equation, ये क्या आपका हो जाता है question, false हो जाता है, इनको chemical equations नहीं कहा जाता है। अगला है, we use the compound formulas when we need more than one operator, बिल्कुल सही, हम कंपाउंड फार्मूला का तभी यूज करते हैं जब हमें एक से अधिक ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। द अदर नेम ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल इज सेल एड्रेस, बिल्कुल पूरी तरह से क्या है आपका ट्रू है, यानी जो सेल रेफरेंस का अदर दूसरा नाम क्या होता है, सेल एड्रेस होता है।
अल्फा न्यूमेरिक डेटा कैन नॉट बी इंटर्ड इन अ वर्कशीट, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा को भी इंटर कर सकते हैं। What is the default format for expressing number in Excel? तो क्या आपका होता है, जनरल होता है, जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है एक्सप्रेसिंग नंबर्स के इन एक्सेल में, क्या होता है, जनरल आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टैब इज यूज टू सेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट डेटा इन सेल्स। तो किसके का यूज करते हैं, अलाइनमेंट का यूज करते हैं, किसका, अलाइनमेंट का यूज हम करते हैं। Which feature in MS Excel is used to rotate text to a specified angle? किसका यूज करके, टेक्स्ट ओरिएंटेशन का, किसका यूज करके, टेक्स्ट ओरिएंटेशन का यूज करके हम क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं। देखिएगा, जैसे हम इस पर गए, हमने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट टेक्स्ट पे, फॉर्मेट सेल्स पे गए। देखिएगा, अभी ऑप्शन आएगा आपके, आप सभी के सामने ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन अभी आएगा आपके सामने, आ गया। हम अलाइनमेंट पे जाते हैं, ये रहा आपका, देखिएगा रोटेट वाला, हमने इसको क्या कर दिया, सीधा हमने कितना कर दिया, 45 एंगल पे कर दिया रोटेट का। देखिए 400 क्या क्या होगा, 45 पे हमने इसको रोटेट करा दिया। अगला है, विच टर्म इज यूज टू डिफाइन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट, इन अ वर्कशीट। तो क्या आपका हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, यानी चार्ट से क्या होता है, डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करा सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम, इसके लिए क्या करें, एरिया चार्ट का यूज करेंगे। किसका, किस चार्ट का यूज करेंगे, हम एरिया चार्ट का यूज करेंगे। अगला है, स्टॉक चार्ट इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर प्लॉटिंग डेटा वैल्यूज रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड शेयर्स। बिल्कुल पूरी तरह से क्या ऑप्शन है, ट्रू है। स्टॉक्स चार्ट्स होते हैं, उनका यूज हम स्पेसिफिक डिजाइनिंग करते हैं प्लॉटिंग डेटा वैल्यू रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड शेयर के लिए। इन विच ग्रुप ऑफ द होम टैब इज फॉर्मेट ऑप्शन अवेलेबल इन एमएस एक्सेल। तो किसमें आपका हो जाएगा, सेल्स में, किसमें मिलेगा आपको, सेल्स में, यानी होम टैब के जो फॉर्मेट ऑप्शन किसमें मिलेगा, होम टैब के सेल ऑप्शन में जो है फॉर्मेट ऑप्शंस आपको मिलेगा। ये आपका होम टैब होता है और ये आपका क्या है, सेल्स है, सेल्स, ये आपका सेल्स है और ये यहाँ पे आपको फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये सेल्स का जो फॉर, ये सेल का जो है बॉक्सेस है, इसमें फॉर्मेट ऑप्शन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, नेम द टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्ले डेटा इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल। जब सर्कल की बात करी जाए तो किसमें आएगा, डेटा आपका पाई चार्ट में आएगा। अब देखिएगा, जैसे ये जो भी हम कुछ हमने लिखा, इंसर्ट पे जाते हैं, ये हमारा पाई चार्ट पे कर लेते हैं, डेटा हमारा सब कुछ सर्कल में जो है प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डेटा किसमें हो जाएगा आपका, सर्कल में जो है प्रेजेंट हो रहा है। जैसे हमने ये दो हमने ले लिए, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम टू को जो है हम करा देते हैं सर्कल में। देखिएगा सर्कल में आएगा, ठीक है, ये डेटा आपका क्या, वन एंड टू, ये हमारा सर्कल में डेटा आ जाता है, इसको क्या होते हैं, पाई चार्ट होते हैं। अगला, व्हाट इज द नेम फॉर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ चार्ट। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटेगरी एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो चार्ट में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको क्या कहते हैं, करेक्ट, कैटेगरी एक्सिस। ये आपका होता है कैटेगरी एक्सिस होता है, जो ये हॉरिजॉन्टल होती लाइन से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच कंपोनेंट इन एक्सेल हेल्प्स इन डिप्ली इन डिपिक्टिंग कलर्स पैटर्न्स आर सिंबल असाइन टू डेटा। कौन सा होता है, लीजेंड होता है, ये जो आपका, ये क्या आपका, ये आपका क्या, लीजेंड होता है। देखिए फॉर्मेट लीजेंड, हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्या हो जाता है, फॉर्मेट लीजेंड, ये क्या करता है, बॉडी के कलर वगैरह को जो है सब कुछ क्या कर, डिपिक्ट करता है, लीजेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिएगा, विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तब क्या कहते हैं, लाइन चार्ट को इंसर्ट कराते हैं। लाइन चार्ट आप लोग सब जानते हैं मतलब कैसा होता है, देखिएगा लाइन चार्ट आपका ये होता है, लाइन चार्ट आपका डेटा ये होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं इस प्रकार, जब बहुत सारा डेटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्स वाई चार्ट। एक्स वाई चार्ट का अदर नेम क्या होता है, स्कैटर चार्ट होता है। स्कैटर चार्ट कैसे आपको मिलेगा, ये आपको जो स्कैटर चार्ट यहाँ पर मिलते हैं, देखिएगा सब कुछ आपको इसी में मिलेगा, इंसर्ट में जाएंगे, ये आपके स्कैटर चार्ट, एक्स वाई चार्ट को जो स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, When a chart is placed inside a worksheet along with its source data is called, क्या कहते हैं इसको, embedded chart कहते हैं। क्या इसको कहते हैं, embedded chart बोलते हैं। अगला प्रश्न है, name the item that form the heading of chart। heading of chart को क्या कहते हैं, chart title बोलते हैं, यानी कि chart पे जो भी heading होती उसको क्या कहते हैं, chart title कहते हैं। The first pie chart was seen in William Playfair book of statistical Very in कब हुआ, 1801 में जो पहला जो पाई चार्ट जो देखा गया था विलियम प्लेफेयर बुक्स में, स्टेटिकल ब्रीवरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, नेम द टाइप ऑफ चार्ट विच डज नॉट हैव ग्रिड लाइन। किसमें जो है ग्रिड लाइन नहीं होती, किसमें नहीं होती ग्रिड लाइन,
पाई चार्ट में आपकी क्या नहीं होती, ग्रिड लाइन नहीं होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चार्ट एरिया इज कार्ड का टोटल एरिया ऑफ द चार्ट, बिल्कुल सही, जो चार्ट एरिया होता है टोटल एरिया कहलाता है। अगला प्रश्न, इन एमएस एक्सेल चार्ट ग्रुप इज अवेलेबल ऑन द इंसर्ट टैब, बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखिएगा, ये इंसर्ट पे जाते हैं, होम टैब, ये इंसर्ट में जो चार्ट ऑप्शन मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए भी आपका पूरी तरह से आपका ट्रू हो जाता है। द एक्सिस दैट रिप्रेजेंट द वैल्यूज आर यूनिट्स ऑफ द सोर्स डेटा इज कार्ड, सोर्स डेटा इज कार्ड क्या हो जाएगा आपका, इसमें से वैल्यू एक्सेस हो जाएगा, क्या कौन सा ऑप्शन होता है आपका, इसमें से वैल्यू एक्सेस कहलाता है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ चार्ट लुक सिमिलर टू अ स्पाइडर नेट, स्पाइडर नेट की तरह कौन सा चार्ट होता है, तो आपका रडार चार्ट होता है, जो कैसा होता है, ये आपका स्पाइड जो है स्पाइडर की तरह जो होता है, रडार चार्ट होता है जो स्पाइडर की तरह, ये रहा, ये देखिए, ये बिल्कुल मकड़ी की तरह मतलब फैलता है, ये बिल्कुल मकड़ी की तरह होता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, स्पाइडर चार्ट दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट विद इन आवर सेल, बिल्कुल सही है, हम क्या अगर हम चेंज करा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट कैन नॉट बी अलाइन विद इन आवर सेल, ये गलत है, अलाइन करा सकते हैं टेक्स्ट को हम, ठीक है, टेक्स्ट को अलाइन करा विद इन आवर सेल अलाइन करा। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू बी डिस्प्लेस कैन बी इंक्रीज आर डिक्रीज इन एक्सेल, बिल्कुल सही है, हम क्या करते हैं डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज भी करा सकते हैं और डिक्रीज भी करा सकते हैं। जैसे मान लिया हमने लिखा 4.2333356 इतना हमने डेसिमल लिखा, फिर हम उसको इंक्रीज डिक्रीज करने क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, फिर नंबर पे जाएंगे, और यहाँ पे ये देखिए नंबर पे जाएंगे यहाँ से ये डेसिमल प्लेसेस को हम इंक्रीज कर, जैसे यहाँ पे इतना हम इतने इंक्रीज करा सकते हैं, इस प्रकार से इंक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ से हम क्या करा सकते हैं, डिक्रीज भी करा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या आपका हो जाता है, ट्रू हो जाता। अगला ऑप्शन जस्टिफाइड ऑप्शन, लाइन डेटा इज सेट टू लेफ्ट एंड राइट ऑफ द बॉर्डर, बिल्कुल सही, जो जस्टिफाइड ऑप्शन का क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर को बिल्कुल अलाइन करता है इक्वली। नेक्स्ट है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन यूज टू रोटेट इट थ्रू अ स्पेसिफाइड एंगल, बिल्कुल सही, अभी हमने टेक्स्ट ओरिएंटेशन का यूज हमने करा के दिखा था, क्या था, स्पेसिफाइड एंगल के थ्रू क्या करता है, रोटेट कराता है। अगला क्वेश्चन, आ चार्ट इज टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ चार्ट, टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, जो चार्ट होता क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा होता है। एरिया चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स आल्सो कार्ड क्या कहेंगे इसको, बस कहेंगे, इसलिए भी ऑप्शन क्या आपका जो है फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट है, लाइन चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन एंड इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट ट्रेंड्स इन डेटा एट इक्वल इंटरवल्स, ऑप्शन क्या आपका है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, स्कैटर चार्ट इज द डिफॉल्ट चार्ट टाइप इन एक्सेल, बिल्कुल गलत है, स्कैटर चार्ट और कोई भी डिफॉल्ट चार्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, पेज प्रीव्यू इज यूज टू चेक द ओवरऑल कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ वर्कशीट, बिल्कुल सही है, पेज प्रीव्यू का यूज हम करते हैं, ठीक है, ओवरऑल चेक करने के लिए कि प्रिंटिंग के बाद कैसे निकलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द शॉर्टकट की टू प्रीव्यू द वर्कशीट इज CTRL+F2, बिल्कुल सही है, देखिएगा CTRL+F2 करेंगे, ये देखिएगा प्रीव्यू ऑप्शन आ जाता है, ये दिस इज योर प्रीव्यू ऑप्शन आ जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, क्या देर आर Only two types of charts in MS Excel, बिल्कुल गलत है, कितने टाइप्स के हमने चार्ट्स यहाँ पे ये देखिए दिखा दिए, देखिए कितने प्रकार के चार्ट हैं, कॉलम लाइन है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, अदर चार्ट्स में कौन है, स्टॉक है, सरफेस है, डॉटनट है, बबल है, रडार है, इतने प्रकार के आपके चार्ट, ऑल टाइप्स चार्ट्स, इतने प्रकार के आपके चार्ट्स होते हैं, इसलिए जो है ये फॉल्स हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, MS Excel does not have option to preview the worksheet before sending it to print, पूरी तरह से फॉल्स, अभी हमने आपको प्रीव्यू करके दिखाया था CTRL+F2 से, इसलिए ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला, आप पाई चार्ट कंपेयर पीस ऑफ डेटा यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्टैक्स, पूरी तरह से क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चार्ट रिप्रेजेंट ओनली पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, जो पार्ट चार्ट होता है कैसा, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, पूरी तरह से गलत, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता है, क्या कहता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, यानी सबको टेक्स्ट में भी रहता है, सब कुछ में रहता है। अगला प्रश्न है, द डॉटनेट चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स, बिल्कुल ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, फॉर्स, जो डॉटनेट्स होता है वो फॉर्म ऑफ बार्स के रूप में जो है डिस्प्लेस नहीं कराता, तो कैसे भैया डिस्प्ले कराएगा डॉटनेट जो चार्ट होता है, देखें ये आपका कहता होता है इस प्रकार से, सर्कल टाइप में होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, MS Excel इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, पूरी तरह से आपका क्या ऑप्शन, ये ट्रू है, MS Excel क्या होता है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है।
तो ये इस प्रकार से ये जो एमएस एक्सेल का जो यानी कि पार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो ये पार्ट था, ये आपका पूरी तरह से आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्या आपका होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसमें से पूरा आपका ये कंप्लीट हो जाता है। पार्ट टू, पार्ट वन में हमने 100 क्वेश्चन हमने आपको दिए थे और पार्ट टू में हमने जो है आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए पूरा ऑप्शन क्या है आपका, ये ट्रू हो जाता है। अगला हम जो है इसके बाद हम पार्ट वन लेकर आएंगे, हम इसके बाद जो है पार्ट वन लेकर आएंगे। ये जो क्वेश्चन है, इज एबीसी आर वैलिड सेल रिफ्रेश एड्रेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, फॉल्स होना चाहिए। तो हमने आपको ऑप्शन वीडियो में हमने आपको बोल के भी बताया था, यानी क्या होता है, यानी कि ये आपका जो वैलिड सेल रेफरेंस होता है F7 अगर लिख के आ रहा तो ये आपका जो है वैलिड सेल रेफरेंस है, ना कि ये 1 2 3 ए बी सी डी, इसलिए ये ऑप्शन क्या है आपका, फॉल्स है। यहाँ पे 30 नंबर ऑप्शन क्या है आपका, फॉल्स है। 30 नंबर ऑप्शन क्या आपका, फॉल्स। ये शायद हमने आपको वीडियो में भी बताया है 30 नंबर पे कि ये फॉल्स है, लेकिन वहां पे टिक लग रहा है धोखे से ट्रू पे हो गया। चलिए आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिएगा, और कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो हमें फोन कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल कीजिएगा या मैसेज करिएगा। और बाकी आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।